ये तो बहुत ज्यादा काम है राजा के लिए, करूँ या न करूँ। अरे ये कैसे कर रहा है? बहुत बढ़िया, मुझे तो नहीं आता। और आज का आपका टूर पूरा होता है। क्या तुमने उस जानवर को देखा? बहुत बढ़िया। आखिरकार तुम्हारा शो बहुत ही बढ़िया था, तुमने तो सच में सबका दिल जीत लिया। क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ही कमाल के थे। ये क्या है? एक कूपन। तुम्हें बुलाया जाता है हमारे नए स्टोर पर हमारे पेस्ट्रीज चखने के लिए। कितना अच्छा है। क्या ये खाने की तस्वीर है? ये तो स्वादिष्ट है। मुझे भी दिखाओ। वैसे आज लकी दिन था। ये नारियल केक्स हैं। ये यहाँ के सबसे ज्यादा स्वादिष्ट केक हैं। इनका मिलना बहुत मुश्किल है, इसकी वजह से पहले मैं कुछ खाऊंगा फिर तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है बॉस, मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे साथ ले चलोगे? माफ करना दोस्तों, मैं नहीं जा रहा। चलो एक सौदा करते हैं, तुम मुझे कूपन दो, मैं तुम्हें केक दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बॉक्स लेकर आऊं। अब मान नहीं जाने लगता। वैसे मुझे लगता है तुम लोग इसके लायक हो। ये लो। मेरे लिए लाना मत भूलना। तुम बहुत अच्छे हो लड़का। और मेरे कपड़े पहनना मत भूलना। ओए सावधानी से। दिखाओ। अरे एक मिनट रुकना। एक कूपन में एक ही आदमी अंदर जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, पापा तुम्हारे साथ हैं। अरे ये तो बहुत ही बड़ा बच्चा है। ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। नहीं, शायद ये हो सकता है। शायद इसे खोल कर खाते। ठीक है, तुम ये सब यहाँ नहीं कर सकते। लगता है हमारे गांव का नहीं है। यहाँ नहीं है। अरे ये टूथब्रश है भैया, बाल बनाने की कंघी नहीं। अरे ये परिवार तो बहुत ही अजीब किस्म का है। पर तुम्हारी पूछ बाहर क्या है? तुम लोग कौन हो? वही खड़े रहो, वही रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? नारियल के कहाँ चले गए दोनों? ये जगह कितनी गंदी है, गार्ड कहाँ पर है? आ रहा हूँ। लगता है हम बच्चे हैं। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी नाक। हम लोग यहाँ फंस गए। हम लोग यहाँ फंस गए, कोई प्लान सोचना होगा। अब हम क्या करें? चलो देखते हैं कि यहाँ कोई अमी केक मिल जाए तो। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? पागल मत बनो। इसे हटाओ। ये बहुत ही आसान था।
अंधेरे से डरो मत। अंधेरे से नहीं, पर यहाँ पर जो है उससे। क्या? यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं। शैतान मुझे मत खाना। डब्लू मुझे मत खाना। ये टॉयलेट पेपर है। तुम इस टॉयलेट पेपर से डर गए? मैं जानता हूँ तुम बहुत डरे हुए हो। तुम्हारी तरह नहीं है। चलो केक ढूंढते हैं। ये तो यहाँ है। खाली यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मुझे लगा मैंने किसी की आवाज सुनी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चीजों को सुन सकते हो? मैं उधर देखता हूँ। ओह वाह! ये कौन है? कितना अजीब है। कौन हो तुम? क्या हम एक ही काम के लिए आए हैं? ये आदमी तो बहुत ही बड़ा है। है दोस्त, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें अभी तक कुछ अच्छा मिला? देखें, कुछ नहीं। तुम्हें और ढूंढना चाहिए। ये देखो, ये मेरे पास बतख है, कुछ नूडल्स और ये चीज। और तुम्हें पसंद आया? तुम रख लो। कोई बात पता है, उस आदमी ने मुझे नारियल केक दिया। ये तो साबुन है। साबुन? दुकान तो बंद है लेकिन ये आके कर रहा है। वो खरीदारी कर रहा है। चीजों को देखो, और वो पैसा किसको देगा? वो तो ऐसे ही सामान ले जा रहा है। वो चोर है। एक चोर? वो सारा केक चुरा रहा। पकड़ो उसे, रोको उसे। हाँ, इस बच्चे को कौन लाया? मतलब ये कि अच्छा है, तुम एकदम समय पर आए हो। मदद करो, भारी है। सही है। क्या कर रहे हो? सुनो, तुम क्या धोखा दे रहे हो मुझे? दोस्त, ये सब ले लो, ये सब तुम्हारा है, चिंता मत करो। बहुत ही बेकार चोर है ये। तुम उसे भटकाओ, तब तक मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम फिर आ गए? देखो चले जाओ यहाँ से। मुझे समझो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, मैं कुंग फू जानता हूँ। देखा मेरा कुंग फू? ये तो काम ही नहीं कर रहा। भालू, 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 भागो, भागो! मैं उसे डराना नहीं चाहता था। हेलो, हेलो, पुलिस, पुलिस, पुलिस! उठाओ, उठाओ! ये तो डरी हुई बिल्ली जैसा। पुलिस आ रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलो! नारियल वाले केक्स, डब्लू चलो! स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे सही नहीं हो रहा है। सपना था। भूख लगी है। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। नारियल केक, ये बहुत नरम है, मजा आएगा। ये अच्छा है ना? ये बहुत बढ़िया है। एक चोर को चोरी करते हुए लूट खसोट मॉल में पकड़ा गया। दो विचित्र लोग और भी देखे गए, जिसकी तलाश अभी भी पुलिस को। वहाँ पर के बारे में किसी को जानकारी हो तो नजदीक के पुलिस थाने में संपर्क करें। वो सच में बहादुर हैं, वो जाने पहचाने लग रहे हैं।
नहा लिया करो। वाह, ये अमृत का पेड़ है। ये कितना खूबसूरत है। आखिरकार हम पेड़ के पास पहुंच ही गए। मैं अमीर होने वाला हूँ। रुको, सारा अमृत कहाँ है? कल सूरज के उगते ही अमृत की बारिश होगी और जंगल हरा हो जाएगा। वो क्या है? जरूर गरम चंदाया होगा। हमें उसे रोकना होगा। हाँ, चलो पकड़ते हैं जंगल की रक्षा और शुरुआत वहाँ से करेंगे। ठीक है, रुको। काली, हमने गरम चंद को पेड़ के पास देखा। उसके पास मशीन है जो उसकी रक्षा करती है। जल्दी ही सुबह होने वाली है, कुछ और सोचना होगा उसे रोकने के लिए। हमारे पास वक्त कम है, मेरे पीछे आओ। ओ नीलू, ऐसा मत सोचो, जो हो गया वो हो गया। सच में? बिल्कुल, अब तुम आगे की सोचो। मेरा प्यारा बच्चा। वही है जो मशीन के ऊपर लगा है, वो लेजर कैमरा है। उसके पास जाना खतरनाक है। हाँ, वहाँ चलो पकड़ते हैं। रुको, एक सेकंड काली। ओए, उठो उठो, हमें सावधान रहना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। नीलू, तुम्हें यहीं रुकना है। ये डब्लू को क्या हुआ? मैं चेक करने भूल गया, मैं देख नहीं पा रहा। अरे नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये क्या है? ए, मेरी तरफ देखो, मैं भालू। ए, देखो छोटे कैमरा, मुझको देखो। इया बड़ा आदमी, इधर देखो। ये कितना बढ़िया था। समय आ गया। अरे लखा, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम आ रहे हो। मैं पेड़ से सारा का सारा अमृत अपने लिए जमा करूंगा। सुना तुमने? अब साइंस की शक्ति का देखो। अब ये बहुत हुआ। कितनी भी कोशिश कर लो। जितने ज्यादा उतना अच्छा है। जोर लगाओ और जोर से। उनका मेरे सामने कोई चांस नहीं है। अमृत सिर्फ मेरा है। बंद करो। काली, लखा, सरक जाओ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये पाइप गर्म चंद के सुरक्षा कवच के नीचे से जाता है। डब्लू, ये पाइप तोड़ने में मेरी मदद करो। ये पाइप तो बहुत छोटी है, हम इसमें नहीं घुस पाएंगे। लगता है हमारी किस्मत खराब है। अब हम क्या करें? मुझे लगता है मैं घुस जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये खतरनाक है। ये सही कह रही है। सब ठीक है, मैं जा सकता हूँ। फिक्र मत करो, मैं पहले की तरह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, ये खतरनाक है।
सके तो हम एक और प्लान बनाए। हमारे पास दूसरे प्लान का वक्त नहीं है, वो कर सकता है, मुझे तुम पर विश्वास है। मामी, मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा। मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। जैसे ही सूरज उगेगा सारा का सारा अमृत मेरा हो जाएगा। ये क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो। नहीं, रुको। ये बहुत ही बड़ी गलती थी। हिलना मत। ओए, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। पकड़ो उसे। ये लो। मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। ये लो, ये लो, ये लो। भागना बंद करो। अरे नहीं, बबलू कहाँ है? बबलू रुको प्लीज। ये काफी नजदीक था भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम जानवर कभी मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। रुक जाओ, वरना इसको गोली मार दूंगा। उसे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे नीचे उतारो अभी। बॉडी बदबू आ रहा है। नीलू, मम्मी, अब तुम्हें अपने किए का भुगतान करना पड़ेगा। तुम मेरी मम्मी को मार नहीं सकते। अब मुझे सांस नहीं आ रहा। बस अब ये कहीं नहीं जाएगा। शुक्रिया नीलू, तुमने कर दिखाया। नीलू, मुझे गर्व है तुम पे। तुम बहुत बहादुर हो नीलू, तुम हमारे हीरो हो। तुम बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो। हाँ। देखो दोस्तों। मम्मी देखो। यहाँ देखो। हाँ, तो ये है जादू अमृत जी। अमृत का त्योहार शुरू कर सकते हैं। आप पूरे हो? मैं शायद तुम लोग को बताना भूल गया। स्वागत है तुम लोगों का। तुम लोग सब यहाँ हो तो अब हम त्योहार मनाते हैं। मैं खुद की मदद करूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। सही से पेश आओ। क्या अमृत ने तुम्हारी इच्छा कबूल की? अगर ये सच होता तो मेरी आदाश्त वापस आ जाती। अरे यार। ये ज्यादा वक्त तक नहीं खिलेगा, है ना? सही कहा, शायद हम ये दोबारा ना देख पाए। बुजुर्ग जी ने कहा ये तुम रखो। ये तोहफा तुम्हारे लिए है, पेड़ की तरफ से। तुमने इस पेड़ के साथ साथ पूरे जंगल को बचाया और इसलिए शुक्रिया भी बहुत कम है। पैसे? आपका शुक्रिया। तुमने सुना नहीं, तुम पैसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये नहीं करने वाला। मुझे लगा ये काले के पास सुरक्षित रहेगा। तुम सब बहुत बुरे लोग हो। काली, तुम हमसे कभी भी मिलने आ सकती हो। बहुत जल्दी मत बड़े होना। गरम चंदा हो गया। अभी तक तुमने मेरी आखिरी शक्ति नहीं देखी। जंगल हमेशा सुंदर दिखता है। जैसा कि कहावत है,
जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। ये बात अजीब है, लखा कहाँ है? तो इसका आनंद लें। मेरे पीछे आओ, अपनी आंखों से सुंदर फलों को देखो, ताकतवर शेर को, खूबसूरत पौधों को देखो, सुंदर पक्षियों को, बेहतरीन गुफाओं को और बर्फ से ढकी हुई इन पहाड़ी की चोटी को। आज आपको मैं खूबसूरत चुने हुए जगह दिखाता हूँ। इस पेड़ को देखिए, देखने में साधारण लग रहा है लेकिन ये बहुत मशहूर है। जाने मैंने हिंदी फिल्मों की शूटिंग यही हुई थी इस पेड़ के पास। क्या बात, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। आओ फोटो खींचे। अरे ये तो बहुत बढ़िया फोटो है, चलो चलते हैं दूसरी जगह। भाई वो पेड़ को ऐसे क्यों काटने दे रहा है? पता नहीं, और उन्होंने एक नए आदमी को क्यों भेजा? चलो उनका पीछा करते हैं। मैं 3 सालों से ट्रेवल एजेंसी चला रहा हूँ, मुझे ऐसी जगह सब पता है। आपको ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ 10 गुना पैसे देने के बाद भी ये नहीं निकलेगा। उस टूर गाइड को तो फिक्र ही नहीं है। मैं चूक गया। महाराज क्या आप ठीक है? ये सब क्यों? तुम लोग इधर आओ, यहाँ एक बंदर है, उसके बच्चे को देखो। ये खाओ। महाराज क्या बात है, क्या बात है सुंदर बच्चे? महाराज उन्होंने आपके बाल खराब कर दिए। ये सब क्या चल रहा है? हमने सब कुछ देखा। धीरे चलो बच्चे, मुझे जाने दो, सावधान रहना। नहीं 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 नहीं, उसे जाने दो। मेरी बात तो सुनो। कचरा मत फैलाओ। अरे क्या तुम ही लखा हो? ये तुम्हारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे 3। ये मेरे क्लाइंट्स हैं। बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। इस मामले में मैं मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चे संभालने के लिए बधाई हो लखा। चलो दोस्तों, तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ आज तक कोई नहीं गया, और अपने दोस्तों को भी बताना। रुको रुको रुको, वापस आओ, वो जगह तुम सबके लिए नहीं है। अरे नहीं, वो तो वाइल्ड जोन में जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। हम लोग तुम अंदर नहीं जा सकते, वो सीमा के बाहर है। चलें जाओ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे ये तो भालू है, क्या बात कर। अरे भालू, भागो भागो भागो। रुको दोस्तों, तुम मेरे क्लाइंट को डरा रहे हो। हमें चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये अजीब है, यहाँ दो टूर गाइड क्या कर रहे हैं? हम लक्का से पूछकर पता करते हैं। चलो उसे पूछते हैं। चलो आओ। शैतान बच्चों का साथ छोड़ते हैं, कितनी खुशी होती है। सुनकर अच्छा लगा, इस मामले में मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लगता है मैं टूर गाइड बनने लायक नहीं हूँ, मुझे वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी जगह दो, देना बंद करो। कमान दोस्तों, तुम दोनों कितने मोटे हो। ये क्या मजाक है? लगा तुम्हारे अलावा वहाँ दूसरा टूर गाइड क्यों है? WW पार्क के लिए सिर्फ एक ही सीनियर गाइड हो सकता है, और आज इम्तिहान है, जीतने वालों को सब मिलेगा। मतलब तुम जीत गए? तुम इसके चेहरे देखकर बता सकते हो? उस आदमी को तुम बेसारा कैसे छोड़ सकते हो? उसके मन में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें खुश होना चाहिए लखा, हम सबको लगता है तुम कमाल के हो। हाँ लेकिन उस आदमी के पास तजुर्बा है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। और बुरों की परवाह नहीं कर रहा है, वो हर जगह गंदगी कर रहे थे और हम फिसल के गिर गए। ये सच है, अगर ये चलता रहा तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता मैं किसी भी परीक्षा में पास हो पाऊंगा। भाई तुम लोग क्या करने वाले हो? हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब क्या तुम सब सच में चाहते हो मैं ये करूं? तुम कर सकते हो। कर सकता हूं क्या? छोड़ो, अभी इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तुम्हें पता है वो क्या कहते थे? मौका उन्हीं को मिलता है जो तैयार रहते हैं। मैं तैयार नहीं हूँ।
और अगर होता भी तो लक्का खुद पर भरोसा करो। तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम वो लक्का नहीं जिसे मैं जानता हूँ। तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो। भूकंप भूकंप। एक घंटा हो गया दोस्तों, मुझसे हो नहीं पा रहा। अगर पढ़ना काम नहीं कर रहा तो चलो फिर एक्टिंग की एक्सरसाइज करते हैं। सीन वन, चालाक टूरिस्ट को कैसे झेलना है। एक्शन। ओ कितना खूबसूरत है, क्या ये मेरे ऊपर जच नहीं रहा। सचमुच में मैं अफसरा लग रहा हूँ। ए लखा, इस पेड़ का हमारे से परिचय कराओ। इस पेड़ की कोई खासियत नहीं है। देखो लखा, तुम अपने गंदे कपड़े को तो देखो, क्या इस तरह से तुम अपने मेहमान को आकर्षित कर सकते हो। ए जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता, मुझे पहाड़ दिखाओ। पर पहाड़ बहुत ज्यादा है। ये तारे तुम्हारे लिए नहीं, ये भयानक है। पर वहाँ के भी कुछ नियम हैं। तुम किसी दूसरे से भी सीख सकते हो और बोल सकते हो। आज की जगह चुनी गई जगह में से एक है। तो तुम्हें भी लगता है दूसरा आदमी मुझसे भी बेहतर है। लक्का, ये हमारा मतलब नहीं था। तुम तब तक कर सकते हो जब तक तुम ट्राई करोगे। असल में तुम्हें तमीज सीखने की और ज्यादा जरूरत है। चलो शुरू करते हैं। हंसो, छाती बाहर, चपेट अंदर, सीधे खड़े रहो। ठीक से चलो, तुम सीधा चल भी नहीं सकते। लखा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। एक्सरसाइज काम नहीं करेगी अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर से एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक से चलो। नहीं 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 नहीं, आराम से, ठीक से चलो। बस हुआ, अब मैं छोड़ रहा हूँ। तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, गुस्सा मत करो। लखा बस थोड़ा डरा हुआ है। क्यों ना हम थोड़ा जंगल की सैर करके आते हैं और लखा को थोड़ा समझाने देते हैं। तब तक तुम आराम करो। लखा चलो चलते हैं। ओ देखो कितना खूबसूरत है। लखा तुम कुछ नहीं बोलोगे। उधर देखो एक पेड़ और कचरा, इसे उठाने की जरूरत है। वहाँ पाइन कौन है। कैप्टन जाहिर है। तुमने देखा टिकी, लगता है आकर ठीक हो गया, उसे परवाह है। ये दूसरों की तरह नहीं है, लगता है इसे बेहतर है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे पता था तुम यहाँ के सबसे बेहतरीन टूर गाइड हो। चलो चलकर अभ्यास करते हैं। ताकत के लिए चलो। अगला सवाल है लखा, एक अच्छी खबर है, बंटी ने हमारे लिए टूरिस्ट से सर्वे फिल करवा लिया। सर्वे? मुझे भी देखने दो। उन टूरिस्ट ने हमें 5 में से 4 रेटिंग दी है। सब बच्चों का कहना है कि वो सब अब बहुत खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है लखा। शुक्रिया तुम्हारा। कमॉन लखा, तुम्हारे से बेहतर ही जंगल में और कोई टूर गाइड नहीं है, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये सच है, तुम्हारे अंदर वो सब है। मैंने तो सोचा नहीं। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारी मदद और हौसला अफजाई से मैं हमेशा के लिए टूर गाइड बन गया। चलो चले, हमारा नाम रोशन कर लेते हैं। लखा, तुम्हें क्या लगता है पर्यटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मुझे लगता है पर्यटकों की सेवा पर, और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम जंगलों की रक्षा करें। प्रकृति हमें जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज दिखा सकती है जब तक हम समझदार हैं। हमें दयालु होना चाहिए और प्रकृति की देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि प्रकृति हमारे बिना देखभाल नहीं कर सकती। और मैं दिखाना चाहता हूँ ये जंगल कितना प्यारा है, और इसकी रक्षा करें। क्या होगा? टिकी घूमना बंद करो, मेरा सर दर्द हो रहा है। देखो लखा वापस आ गया। लखा इंटरव्यू कैसा गया? क्या तुम पास हो गए? अरे नहीं, महाराज हमारा जंगल। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करोगे। मैंने कर दिखाया। क्या? ये मेरा बेहतरीन इंटरव्यू था। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था, शैतान कहीं के। लखा ये मजाक अच्छा नहीं था। बड़ी
भैया ये तो सच में कमाल का है, इसमें सबकी फोटो कितनी अच्छी आ रही है, बढ़िया लग रहे हो। ये पोस्ट तो पसंदीदा है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, ये अच्छा है। ठीक है चलो कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। मेरा पेट तो बहुत ही दर्द करने लग गया। इसमें तो तुम कमाल के दिखोगे, बिल्कुल जवान आदमी जैसे। ठीक है चलो तुम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ प्लीज। लखा क्या कर रहा? देखो वो फोटो खींच रहे हैं। तस्वीर? बाबू मैं इतना सुंदर हूँ, उसे भी मेरी फोटो खींचनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो महाराज। चलो चल कर उसे अपना जलवा दिखाते हैं। गहरे सोच में दिख रहे हो। ठीक है एक दो तीन। तुम क्या कर रहे हो? ये इतना अच्छा नहीं था। तुम मेरा भी फोटो ले सकते हो, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। तुम जैसे लोगों की फोटो की क्या जरूरत है, निकलो मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक तुमने फोटो नहीं लिया क्या? बस हो गया, आप बढ़िया लग रहे हो। वो कितना बुरा है। बस ऐसे ही। बाबू आओ मेरे साथ आओ। ठीक है महाराज। अब अपना हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत अच्छे, एक बार मुझे देखने दो। मुझे लगता है ये बढ़िया है ना? एक मिनट रुको, लेकिन हर फोटो में ये बंदर क्यों है? क्या ये मजाक चल रहा है? क्या मैं फोटो देख सकता हूँ? ये वही बंदर है जो फोटो में था। ये क्या तुम्हारा फालतू है? मैं नहीं जानता कैसा रहेगा वहाँ पर चलकर फोटो खींचते हैं। ये वाले अच्छे होने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होगी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें देख लूंगा। ए रुको, तुम लखा को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं चाहता हूँ मेरी फोटो ले। क्या सच में? मुझे भी एक चाहिए। गुड आफ्टरनून। तुम दरवाजे से नहीं आ सकते क्या? क्या आज तुम्हारा कैमरा ले जाएं? वो तुम्हें किस लिए चाहिए? मैं अपना फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। ठीक बिल्कुल भी नहीं, इसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाती। मैं तुम्हें कैमरा कभी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। बेवकूफ लोग। उसकी क्या जरूरत है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है। बबलो चलो चलते हैं। फोटोग्राफी आजकल 3D फिगरीन का बहुत क्रेज है। तस्वीरें स्टेज पर आजकल सबसे अच्छा तोहफा यही होता है। भाई मुझे भी एक चाहिए। पिक्चर्स बना रहा है 3D? मेरे पास एक आइडिया है। बबलू लो पकड़ो। क्या ये काम करेगा? पहले कौन आएगा? शर्मा अहमद, अब आ भी जाओ। ठीक है खाली कोशिश करेगा। आगे कदम बढ़ाओ, बस आराम से। ठीक है अब पोज करो। पोज? ये कैसा है? ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है। महाराज जी की सबसे अच्छा फोटो खिंचवाता है। मुझे लगता है अच्छा है। ठीक है एक दो तीन। ये तो बहुत ही शानदार है। तुमने तो इसे खराब कर दिया। मैंने बस छुआ था। मैंने कहा था ना ये काम नहीं करेगा। रेत बहुत मुलायम है। कली क्या हम फिर से कोशिश करें? फिर से? चलो शुरू करें। बहुत अच्छे डब्लू, अब ये सेट हो रहा है। क्या ये मैं हूँ? उसे देखो जरा। मुझे देखने दो। बाबू मैंने तय कर लिया कि मुझे अपनी सबसे अच्छी तस्वीर बनानी है। चलो चले। बबलू हमें फोटो एल्बम बनानी चाहिए, चलो सबको यहाँ बुलाते हैं। ठीक है। ये जानवर तो कितने अजीब है। ओए ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? ये देखो।
बढ़िया। वाह बढ़िया है, आप इतने प्यारे दिख रहे हैं। बिल्कुल जाओ रानी, चलो अब इसको मिलाते हैं। है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ वो आवाज कैसी थी? बेटा कहीं दूर मत जाना। नहीं जा रहा पापा, मैं बस पेड़ के पीछे हूँ। ठीक है। ये तकरीबन हो गया। ये कितना प्यारा है। शुक्रिया। ये बहुत गजब का है। ये तो इंसानी बच्चा है। डरो मत, मैं बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मेरे पास कैंडी है। मुझे चॉकलेट पसंद है। तुम लोग बहुत प्यारे हो, क्या वो मेरे लिए भी बना सकते हो? बना दो ना प्लीज। ओह ये बढ़िया है, ये अब तक के सबसे बेहतरीन फोटो है। देखो मुझे क्या मिला। थोड़ी देर रुकते हैं। वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तुम लग रहे हो। कुछ जानवरों ने मेरे लिए बनाया, वो बहुत अच्छे हैं। आ जाओ मैं आपको उनके चीता दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो और फोटो लेना बाकी है। वाह कितने सुंदर फोटो बनाए हैं उन्होंने खुद से बनाया। सच में कमाल का है। हेलो दोस्तों क्या चल रहा है यहाँ पर? ये देखो। हाँ, बहुत सही है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये तुमसे बेहतर दिख रहा है। चलो ये कुछ नहीं है, सही में ये तो सिर्फ मिट्टी है। चलो काम खत्म करते हैं। देखिए इसको देखो, ये भी अच्छा है। मैं आपको मुफ्त का टूर और दो फोटो भी खींचूंगा, कैसा लगा ऑफर? क्या बोलते हो? सबसे बढ़िया टूर, सबसे बढ़िया फोटोग्राफी, ये आज का सबसे बेहतरीन सौदा है। तुमने मेरे ग्राहक को चुराया है, बस बहुत हुआ। मम्मा देखो मैंने क्या बनाया। मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो ये भी अच्छा है। इसको तो देखो। ये देखो ये यहाँ से टूटा हुआ है। ये भी टूटा हुआ है। मुझे लगता है लक्का के लिए फोटो इनसे ज्यादा बेहतर है, ये तो आराम से टूट जाते हैं। अरे ये तो मेरे हाथ से फिसल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। एक हादसा था। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए आर बना देंगे। शुक्रिया। चलो मेज साफ करते हैं। अरे नहीं ये तो फिर से फिसल गया। लखा ये तुमने जानबूझ के तोड़ा है कि नहीं? बहुत आगे निकल गया है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ले लीजिए नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्या चल सकता? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तुम इसे लेकर देखो बच्चे। मजा नहीं आया। मिस्टर गाइड और कोई खिलौने हैं? मजे वाली चीज। वो कहाँ चला गया? ये आज की नई तकनीक है, इसे उछाल कर पकड़ सकते हो और घुमा सकते हो। हा? ये मजेदार है, इसे खरीद सकते हो बच्चे, क्या कहते हो? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। बबलू आ जाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो तुम्हें ये पसंद आया? अब ये क्या है? वाह क्या बात है। अरे ये तो बहुत ही अनोखा है। मम्मी चलो चल कर देखते हैं। वाह ये तो लाजवाब है। लखा दुखी मत हो, हम अपनी फोटोज बनाना चाहते थे, हम तुम्हारी जगह नहीं ले रहे थे। मुझे भरोसा नहीं है, तुम लोग बहुत स्वार्थी हो। हम पर गुस्सा मत हो मिस्टर लखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ लाने के लिए। सचमुच अगर तुम ना होते तो ये सब देखने का हमें मौका ही नहीं मिलता। बहुत अच्छा समय बीता है ना? हाँ, यहाँ के जानवर साफ रहते हैं और वो सच में चीजें बना सकते हैं। आज के लिए शुक्रिया मिस्टर लखा। देखा लखा मैंने कहा था उन्हें पसंद आया। ये तुम्हारे लिए है। मैं ऐसा नहीं दिखता। तैयार। मुझे भूख लगी है। बगीचा। ओए रुको। ओए।
करना, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाँ, ये मशरूम बिल्कुल नई प्रजाति के हैं। गोल के लोग मुझे पैसे दे रहे हैं इसकी नई प्रजाति के खोज के लिए। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं, तो इसलिए दूर ही रहो। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसा करोगे। इसे देखो, ये तो स्ट्रॉबेरी जैसा दिख रहा है। चलो भी, मैंने बोला ना इसे मत छुओ। तुम्हें क्या लगता है, अगर हम इसका पेड़ आओगे तो? ओ शायद। ये तो बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बढ़िया स्ट्रॉबेरी मशरूम उगाओगे। स्ट्रॉबेरी मशरूम? क्या कोई स्ट्रॉबेरी मशरूम? वो बादल बिल्कुल हमारे और तुम्हारे जैसा दिखता है। लगा, क्या तुम मेरे मशरूम को ढक रहे हो? माफ करना डब्लू, लेकिन स्कूल बोल रहा है कि ये मशरूम खराब हो चुके हैं, इसलिए वो कल इसको हटाने के लिए आ रहे हैं। हटा देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। बेहतर है कि उन्हें ले जाने दिया जाए, ये चीज शायद अच्छी ना हो। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा स्ट्रॉबेरी मशरूम। ये तो लाजवाब है। देखो वो उड़ रहे हैं। ये कितना खूबसूरत है। ये तो मेरा मशरूम है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये तो एक सपना था। आज वो दिन है जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। अलविदा स्ट्रॉबेरी मशरूम। अगर हम सावधान न रहे तो ये चीजें उगती रहेंगी और जंगल पर कब्जा कर लेंगी। मशरूम कितने छोटे होते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भालू, मेरा दोस्त मशरूम है। ए डब्लू, सही समय पर आए हो। ए भाई, क्या चल रहा है? सुनो, मुझे मदद चाहिए। बारिश का मौसम आ गया है और हमें एक सुरंग बनानी होगी। डब्लू, पिछले साल की तरह मैं खोदता हूँ, तुम रेत बनाओ। तैयार हो? मैं रेत के कुछ कट्टे बनाता हूँ, जैसे हम बचपन में बनाते थे। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। चोट तो नहीं लगी? बस थोड़ा सा, बस ठीक हूँ। ये गंभीर लगती है, मुझे देखने दो। मुझे देखने दो भाई, तुम मुझे देखने क्यों नहीं देते? इतना बंद करो और मुझे देखने दो। बारिश होने वाली है, हमें खत्म करना होगा। चले करते हैं। इसे पकड़ो और मुझे थोड़ा शहद दो। तुम यहीं रुको, मैं जल्द वापस आता हूँ। भाई, मेरा तुम्हारा शहद। चलो चले। भाई मेरे लिए रुको। ये क्या हो रहा है? जरा देखो, आज आसमान कितना नीला है। ये मशरूम्स कहाँ से आए? स्ट्रॉबेरी मशरूम। मैं नहीं चाहता था कि उसे वापस ले जाए, इसलिए मैं यहाँ ले आया। लखा ने हमें बताया था कि ये खतरनाक है। डब्लू, रुको, नहीं। ओए,
हटाओ, इन मशरूम्स को जाना ही होगा। पीछे रुको। चलो चलो, उन लोगों को बताते। महाराज ये कहाँ से आ गए? ये तो भयानक है। ठीक है तो दोस्तों, ये बुरा हुआ कि मशरूम हर जगह पर है। इसकी गैस बहुत ही खतरनाक है और उन्होंने बोला ये जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। क्या? इसका मतलब तो अब हम कभी वापस घर नहीं जा पाएंगे क्या? सब तो डब्लू की गलती है। तुम बहुत गंदे भालू हो। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैंने सोचा कि वो बस प्यारा सा छोटा सा मशरूम है। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं अपना दल नहीं धोना चाहता। ये सब मेरी गलती है, इसे मैं ठीक करूंगा। डब्लू, डब्लू रुको। स्ट्रॉबेरी मशरूम, तुम हमारे लिए बने क्यों बने? हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते थे। डब्लू, तुम्हें ये करना ही होगा। ये मशरूम तुम्हारे दोस्त नहीं है। रो मत, सुनो, हम इससे निपट लेंगे, ठीक है? ओए, ये तो बड़ा हो गया। हमें ये जल्दी करना होगा। ये मात भी काफी नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चलो डब्लू, चलो डब्लू। अब वो सब कहाँ चले गए? अरे नहीं, डब्लू क्या तुम ठीक हो? थोड़ा थोड़ा गैस आ रही है, चलो निकले। ये कैसे हो सकता है? डब्लू, ये क्या है? डब्लू ये फूल, मुझे लगता है ये फूल हमारी मदद कर सकते हैं। हमें लखा के पास ले जाने ही होंगे, चलो चलें। हमें दोबारा भागना होगा। ओए, 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 बाय, बाय, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर चकरा रहा है। डब्लू तुम्हें जाना ही होगा, ये लखा को देना और जंगल को बचाने का रास्ता सोचना। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। डब्लू, डब्लू, लखा, ये फूल, इसे रोक सकते हो? डब्लू, डब्लू, तुम आखिरकार उठ गए? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश थे और मैं डर गया था। फूल, वो फूल कहाँ है? चलो लखा को बताते हैं। शांत हो जाओ भाई और मेरी सुनो। वैज्ञानिकों ने फूल को इस्तेमाल करने का रास्ता निकाला है। अब ये जंगल हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि स्ट्रॉबेरी मशरूम इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। प्रकृति के पास सब संतुलन है। जब नए पौधे और जानवर आते हैं तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जो वहाँ पहले से मौजूद है। अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है।